अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई इंफॉर्मेटिव चीज़ जो शेयर करना चाहता हूँ लोगों के साथ, जो करंटली मेरी रिसर्च डोमेन भी है और मैं इस पे काम भी कर रहा हूँ, जिसका नाम पेरोवस्काइट सोलर सेल्स की सिमुलेशन है। और मैंने जब मैं इनिशली पेरोवस्काइट सोलर सेल की सिमुलेशन स्टार्ट की थी या पेरोवस्काइट की सिमुलेशन स्टार्ट की थी, तो सबसे पहला मरला जो मुझे आया था वो स्कैप जो सिमुलेशन टूल ढूंढना है वो था। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपको सिमुलेशन टूल्स मिलेंगे नेट से, लेकिन जो करंटली मुझे बहुत हेल्पफुल लगा टूल, वो टूल स्कैप 1D सिमुलेटर है, जिसकी मदद से आप जो है पेरोवस्काइट सोलर सेल्स की जो है वो सिमुलेशन बड़ी इफेक्टिवली आप कर सकते हैं। और जब मैंने स्टार्ट की तो मुझे बड़े प्रॉब्लम्स आए और काफ़ी ज़्यादा एरर्स भी आई, और मैंने यूट्यूब पे जब सर्च करने की कोशिश भी की तो मुझे इतनी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स नहीं मिले, लेकिन मैंने अपनी कोशिश को जारी रखा और अल्टीमेटली मैं उन एरर्स पे जो है वो मैंने ओवरकम कर लिया, और उन एरर्स को ओवरकम करने के बाद मैंने सक्सेसफुली सिमुलेशन स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से मैंने डिफरेंट पेरोवस्काइट की सिमुलेशन की। एक इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पर मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मैं पेरोवस्काइट्स को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इमर्जिंग फील्ड कंसिडर की जाती है सोलर सेल्स डेवलपमेंट के अंदर, खासतौर पर थिन फिल्म टेक्नोलॉजी के बाद और सिलिकॉन बेस जो सोलर सेल्स थे उनके बाद। और पेरोवस्काइट जो है इस वक्त एक वाइड रेंज समझी जाती है रिसर्च डोमेन के अंदर, और सबसे इनकी अच्छी ब्यूटी ये है कि इनके बैंड गैप वैल्यू बहुत कम है और इनकी अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लो कॉस्ट हैं और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। स्पेशली जब हम बात करते हैं टिन बेस पेरोवस्काइट्स की, तो टिन बेस पेरोवस्काइट्स सोलर सेल जो है वो बहुत वाइडली इस वक्त स्टडी किए जा रहे हैं। जैसे पाकिस्तान और दूसरे मुल्क हैं, यहाँ पर हमारे पास लैब्स की फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो फिर एक रिसर्चर, एक स्टूडेंट वो क्या कर सकता है? एक रिसर्चर, एक स्टूडेंट के पास अगर लैब फैसिलिटीज नहीं है तो उसके पास एक वाहद हल ये होता है कि अब वो एक मैथमेटिकल मॉडल बनाए, कुछ मैथमेटिकल मॉडल बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करे बाया यूजिंग सम सिमुलेशन टूल्स। और फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि लैब एक्सपेरिमेंट करना, उनके मटेरियल्स ढूंढना, केमिकल मटेरियल लेना काफ़ी एक्सपेंसिव वर्क है। ये सिमुलेशन जो है ट्यूटोरियल उन बच्चों के लिए जो सोलर सेल्स डोमेन को रिसर्च वर्क के तौर पर लेना चाहते हैं, सोलर सेल्स के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, सिमुलेशन के लिए, डिफेक्ट एनालिसिस के लिए और डिफरेंट लेयर के पैरामीटर की जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप विद द पैसेज ऑफ टाइम और भी ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा डिफरेंट पेरोविस्काइट से रिलेटेड। तो कुछ मैंने एक जो सिमुलेशन रिसेंटली अभी की है, मैं कोशिश करता हूँ उसको आप लोगों के साथ शेयर करने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा इसका जो है वो इंटरफेस दिखाना ज़रूरी समझता हूँ। देखिएगा कि आप स्कैप सिमुलेशन जो टूल है वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं अभी आपको सेटअप शेयर कर दूंगा। ये जब भी आप इस सिमुलेशन टूल को जो है वो आप यूज करेंगे तो आप ओपन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पर पहला इंटरफेस जो आपको मिलेगा वो ये वाला मिलता है, जिसमें टेम्परेचर है, ठीक है, वोल्टेज दी है, फ्रीक्वेंसी दी है और इसी तरह इफेक्ट है सीरीज रेजिस्टेंस का और शंट रेजिस्टेंस का। एक रिसर्चर, एक स्टूडेंट अपने लिहाज से इनकी शंट रेजिस्टेंस और सीरीज रेजिस्टेंस को जो है वो सेव कर सकता है, और टेम्परेचर बाय डिफॉल्ट जो सिमुलेशन की जाती है नॉर्मली वो 300 केल्विन पे की जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप लोग इस सिमुलेशन टूल को ओपन करें और पहला इंटरफेस आपको नजर आएगा तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको ल्यूमिनेशन डार्क से लाइट पे ले जाना है, क्योंकि मोस्टली एक्सपेरिमेंट जो है आपको पता है कि वो डे लाइट में, सनलाइट में ही पेरोवस्काइट्स के किए जाते हैं स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए, चाहे वो स्टेबिलिटी थर्मल हो, यूवी हो या कोई और स्टेबिलिटी हो।
तो बाकी जो एलिमिनेशन है वो उसके स्टैंडर्ड पैरामीटर्स वही रखे जाते हैं जो आपके नॉर्मली टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, के AM 1 5 5G सन डॉट स्पेक्ट्रम, ये जो स्पेक्ट्रम दिया ये बाय डिफॉल्ट होता है जो एक स्टैंडर्डाइज सिमुलेशन टेस्टिंग के लिए सोलर सेल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आएंगे IV यानी करंट और वोल्टेज एनालिसिस आपको चाहिए, CV एनालिसिस चाहिए, CF एनालिसिस चाहिए, क्वांटम एफिशिएंसी या पावर कन्वर्जन, इन्वर्टेड पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी चाहिए, इनमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली जो पेरोवस्काइट सोलर सेल के लोग सिमुलेशन करते हैं उनको IV ग्राफ चाहिए होता है, क्वांटम एफिशिएंसी ग्राफ चाहिए होता है, क्योंकि हम मोस्टली इंटरेस्टेड होते हैं इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स में जिसमें हमारे शॉर्ट सर्किट करंट वैल्यू, ओपन वोल्टेज वैल्यू, पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी हो सकती है और फिल फैक्टर। ये चार ऐसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं जो किसी भी पेरोवस्काइट सोलर सेल की परफॉर्मेंस को मेयर करने में बड़े हेल्पफुल साबित होते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ पर लोग मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, जब भी आप कोई पेरोवस्काइट लेने लगेंगे तो आपको उसकी बैंड गैप वैल्यू का पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको थोड़ा सा अपनी स्टडी के बारे में बताता हूँ कि जो टिन बेस्ड पेरोवस्काइट्स हैं उनकी जो बैंड गैप वैल्यू है 1.20 से 1.44 तक तकरीबन जाती है, यानी टिन बेस्ड पेरोवस्काइट्स की जो बैंड गैप वैल्यू है वो बड़ी लोअर है एज कम्पेयर टू लेड बेस। लेड बेस की जो है वो 1.55 या 1.55 से अबव भी जाती है। तो जब आप लोग यहाँ पर सेट करें, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा स्टॉप आफ्टर VOC, ओपन ओपन सर्किट वोल्टेज पे आप इसको आप चाहते हैं कि स्टॉप कर दें। मसलन आपको पता है कि अगर आप लेड बेस्ड पेरोवस्काइट कर रहे हैं तो उसकी जो मैक्सिमम बैंड गैप वैल्यू है 1.55 के पास पास होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा पेरोवस्काइट साबित होता है। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं। लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पर इसको 1.5 पे सेट कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब मेरा पेरोवस्काइट की सिमुलेशन हो, जब उसकी VOC वैल्यू ओपन सर्किट वैल्यू की वैल्यू आए तो मेरी जो है वहां पर सिमुलेशन स्टॉप हो जाए, मुझे पता लग जाए कि यार इतने के ऊपर ये मेरे सिमुलेशन जो है वो VOC की वैल्यू मेरे पास कंप्लीट हुई है। बाकी पैरामीटर्स को आपको डिस्कस करने की कोई ऐसा जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट चीज इसके बाद जब आपने पैरामीटर सेट कर लिए, टेम्परेचर आप वेरी भी कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स के लिए वगैरह वगैरह, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। आप यहाँ पे सेट प्रॉब्लम पे आएंगे, सेट प्रॉब्लम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखें एक लेयर ओपन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपने डिफरेंट लेयर को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। नॉर्मली जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मैं सादा पेरोवस्काइट सोलर सेल स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, तो उसमें क्या स्ट्रक्चर होता है, एक उसका फ्रंट मेटल कॉन्टैक्ट होता है, इसका बैक मेटल कॉन्टैक्ट होता है और इसी तरह मिडल के अंदर जो लेयर होती है वो पेरोवस्काइट लेयर होती है। पेरोवस्काइट लेयर की अप समटाइम डिपेंडिंग अपॉन आर्किटेक्चर की, अगर हमारा इन्वर्टेड है नॉन इन्वर्टेड है, पेरोवस्काइट लेयर के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लेयर होती है या होल ट्रांसपोर्ट लेयर अबव या बिलो होती है डिपेंडिंग अपॉन आर्किटेक्चर पर। अब यहाँ पर आप डिफरेंट पैरामीटर्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक सिमुलेशन की हुई है तो मैं कोशिश करता हूँ मैं उसी को ओपन करूँ, फिर मैं उसको सिमुलेट करके आपको दिखाने की कोशिश करूँ और अगली वीडियोज में मैं फिर स्टेप बाय स्टेप इन लेयर्स के पैरामीटर्स को भी आपको पुटअप करता जाऊँगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लोड पे गया, लोड पे जाने के बाद यहाँ पर मैंने करंटली जो है एक सिमुलेशन की थी सिमुलेशन 2 के नाम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्चुअली जो मैंने सिमुलेशन की थी वो सिमुलेशन थी मिथाइल अमोनियम लेड लेड डाईहेलाइड, इसमें डबल हेलाइड इस्तेमाल किए, हेलोजन एटम्स इस्तेमाल किए गए हैं जिसमें आयोडाइड भी और क्लोराइड भी है और उसकी डिफरेंट कंपोजिशन आपको यहाँ पर नजर भी आ रही होगी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, ये एक NIP स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके पास NIP हो सकता है या मेसोपोरस हो सकता है या PNIP हो सकता है। NIP स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, ये जो FTO है यहाँ पर ये लेयर जो है ये लेयर जो है ये आप एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की है और यहाँ पर कार्बन CU2O लेयर जो है वो एज ए होल ट्रांसपोर्ट लेयर इस्तेमाल की गई है। ठीक है, जो आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की है और जो यहाँ पर पेरोविस्काइट इस्तेमाल किया मैंने आपको बताया अभी कि ये पेरोविस्काइट जो है ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिथाइल अमोनियम लेड डाईहेलाइड। ठीक है, इसमें आयोडाइड भी है एज ए हेलोजन एटम और क्लोराइड भी है। और आयोडाइड और क्लोराइड को इस्तेमाल करने की हमें क्यों जरूरत पेश आई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर जगह पर ये पूछा जाता है, लोग इस चीज से नहीं अवेयर।
इस थर्मल स्टेबिलिटी पेरोवस्काइट सोलर सेल्स की इंप्रूव होती है। ये रिजल्ट्स ने प्रूव किया है कि अगर आप अकेला आयोडाइड इस्तेमाल करें और या अकेला क्लोराइड इस्तेमाल करें एज ए हेलोजन एटम के तौर पर, तो उनकी थर्मल स्टेबिलिटी इतनी इंप्रूव नहीं होती। और जब हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी एनालिसिस की, तो पेरोवस्काइट सोलर सेल्स की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रीम समझी जाती है स्टडी के लिए। तो यहाँ पर अब एक्चुअली क्या है, देखिए जी इंटरफेसेस क्या है, यहाँ पर आपको डिफरेंट इंटरफेसेस नजर आ रही है। सबसे पहला इंटरफेस जो है डेफिनेटली आपका इस पेरोवस्काइट का इस CO2 होल ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ है, ठीक है। एंड सेकेंड जो इंटरफेस होगा वो आपका इस पेरोवस्काइट लेयर का आपका TiO2 के साथ होगा। TiO2 है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लेयर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पेरोवस्काइट की स्टडी में होल ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स की बहुत इंपॉर्टेंस कंसीडर समझी जाती है, क्योंकि डिफरेंट मटेरियल्स के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लेयर, होल ट्रांसपोर्ट लेयर यूज करने से हमारे परफॉर्मेंस पैरामीटर इंप्रूव होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने CU2O होल ट्रांसपोर्ट लेयर इस्तेमाल किया और TiO2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लेयर इस्तेमाल किए। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर एक जो है वो नॉर्मली आपके पास मेरे सामने जो है वो एक इंटरफेस ओपन हो गया है, जो बता रहा है कि पहला इंटरफेस जो है वो किस चीज का है, वो होल ट्रांसपोर्ट लेयर और किसका है आप अपने पेरोवस्काइट का, ठीक है। फिर जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप इसके डिफेक्ट को चेंज कर सकते हैं, डिफेक्ट टाइप चेंज कर सकते हैं, टोटल डिफेक्ट डेंसिटी को चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स को आप चेंज या इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड जब हम बात करते हैं, सेकेंड पे जब मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं सेकेंड इंटरफेस जो है वो बेसिकली किसका है, वो पेरोवस्काइट का और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लेयर का है। सिमिलरली यहाँ पर भी जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप इसके डिफेक्ट टाइप को चेंज कर सकते हैं, टोटल डिफेक्ट डेंसिटी को भी चेंज कर सकते हैं और अपने रिजल्ट्स को कंप्यूट कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर ये चीज़ें ऐड की हैं। मैं अगले आने वाले लेक्चर्स में इनके पैरामीटर्स के बारे में भी बात करूंगा, और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है लोग यहाँ पर मिसगाइड करते हैं या उनको समझने में प्रॉब्लम होती है, वो डिफेक्ट डेंसिटी को इंट्रोड्यूस नहीं कराते। और बाय डिफॉल्ट स्कैब सिमुलेशन टूल में डिफेक्ट डेंसिटी जो है वो 1×10^14 रखी जाती है। आप इनकी वैल्यू को चेंज करके इनके इफेक्ट को भी कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। सो जब आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा लेंगे, लेट्स सपोज दैट आप इंटरफेसेस की वैल्यू को शो करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ला के इसको ऐड पे क्लिक करें, तो ऐड करने के बाद आप देखेंगे पहली लेयर आ गई। जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये ऐड करने के बाद ये सेकेंड लेयर भी आ गई। बाकी लेयर से हमारे पास हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसमें फ्रंट और बैक मेटल कॉन्टैक्ट नहीं दिए। वैसे फ्रंट और बैक मेटल कॉन्टैक्ट हम अगर ऐड ना भी करें तो तब भी हमारी इस डिवाइस स्ट्रक्चर के ऊपर कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आता, इसकी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स पे इतना इम्पैक्ट नहीं आता। सो ये मेरे पास अब जो है सिमुलेशन स्ट्रक्चर बन चुका है, जो बेसिकली NIP स्ट्रक्चर है, N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है। एंड देन दिस इज फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। ये आप इस आर्किटेक्चर को इन्वर्ट भी कर सकते हैं, आर्किटेक्चर इन्वर्टेड भी होता है, नॉन इन्वर्टेड भी होता है। इन्वर्टेड और नॉन इन्वर्टेड में क्या फर्क है, अगर आप इन्वर्ट करेंगे तो ये FTO की लेयर ऊपर चले जाएगी और ये CO2 की लेयर नीचे आ जाएगी। अब ये जो यहाँ से आपको नजर आ रहा है सनलाइट जो है वो आपके इस FTO ग्लास के ऊपर पड़ेगी, और एक्चुअली होगा क्या, इस ग्लास के ऊपर जब बीम ऑफ लाइट पड़ेगी तो वो बीम ऑफ लाइट की फोटोन जो है वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन और होल्स में कन्वर्ट होंगे। वो इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो रिस्पेक्टिव आपकी ETL में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लेयर मटेरियल और होल ट्रांसपोर्ट लेयर मटेरियल की तरफ जाएंगे। जितनी अब्सॉर्बेशन कैपेसिटी आपकी ज्यादा होगी पेरोवस्काइट की, उतनी स्ट्रक्चर का परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर होगा। खैर मैं इसमें डिटेल में नहीं जाता, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी और मैं आने वाले अपने ट्यूटोरियल में इसको मजीद एलेबोरेट करूंगा, लेयर बाय लेयर पर डिटेल में इसको मेंशन करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं नेक्स्ट में मैं यहाँ पर ओके पे सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। जब मैंने ओके पे सेलेक्ट किया दोबारा आपने, जब आपने इस सिमुलेशन को रन करना है तो सिमुलेशन को रन करने के लिए आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेट सिंगल शॉट पे जाना है। जब मैं कैलकुलेट सिंगल शॉट पे गया, आप देखिए यहाँ पर मेरे पास सिमुलेशन जो है वो कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको पहला ग्राफ नजर आ रहा है वो ईवी और डिस्टेंस के दरमियान है, ठीक है, डिस्टेंस और ईवी और डिस्टेंस के दरमियान है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे पास जो है, हमारे राइट साइड पर देखिए एक बार नजर आ रहा होगा विंडो आपको, यहाँ पर IV एनालिसिस है, क्वांटम एफिशिएंसी है। हम ज्यादातर इंटरेस्टेड होते हैं IV कर्व के अंदर।
अब जब मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर VOC की वैल्यू आई है जो है 1.25 और शॉर्ट सर्किट करंट वैल्यू की जो आई है वो 23.16 है, फिल फैक्टर की वैल्यू जो आई है वो 81.56 है और एफिशिएंसी जो इस पेरोवस्काइट की और इस इलेक्ट्रॉन होल ट्रांसपोर्ट लेयर मटेरियल के इस्तेमाल करके हमारे पास आई है वो 23.70 है। ये जो चीज़ें, ये जो आपके पास स्क्रीन पर रिजल्ट नज़र आ रहे हैं, ये स्क्रीन पर रिजल्ट मैंने बगैर पैरामीटर्स के, लेयर पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज करके लिए हैं। इससे क्या मुराद है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रिसर्चर्स को याद रखने की ज़रूरत है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती है सिमुलेशन में, आपके सिमुलेशन रिजल्ट्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को मैच करने चाहिए। और मेरी जो स्टडी है, मेरी स्टडी के मुताबिक मैं जानता हूँ कि जो लेड बेस्ड पेरोविस्काइट्स हैं और डबल हैलाइड बेस्ड पेरोविस्काइट्स हैं, उनकी जो VOC की वैल्यू है वो तकरीबन सिमुलेशन में जो अचीव हुई है 1.15 के करीब है, शॉर्ट सर्किट करंट वैल्यू अराउंड अबाउट 22 के करीब है, फिल फैक्टर 87 या 88 के करीब है और एफिशिएंसी जो आती है वो अराउंड अबाउट 19% के करीब आती है। अब चूंकि मैंने यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो डिफेक्ट डेंसिटी है, मैंने उसको बहुत लोअर इंट्रोड्यूस करवाया अपने सिमुलेशन में और मैंने ये ज्यूम किया है कि हमारी ना लेयर में कोई डिफेक्ट है, ना हमारी पेरोविस्काइट्स की लेयर में डिफेक्ट है, ना हमारी इंटरफेसिंग लेयर में डिफेक्ट है। लेकिन मैं आने वाले लेक्चर्स में डिफेक्ट्स पे जब बात करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि डिफेक्ट का रोल वो है। डेफिनेटली कोई भी स्ट्रक्चर डिफेक्ट के बगैर नहीं होता। इसमें डिफेक्ट आपके सरफेस डिफेक्ट हो सकते हैं, आपके इंटरफेसिंग डिफेक्ट्स हो सकते हैं, आपके पेरोविस्काइट और होल ट्रांसपोर्ट लेयर के डिफेक्ट्स हो सकते हैं इंटरफेसिंग, इसी तरह ETL और पेरोविस्काइट के हो सकते हैं। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट चीज जो आती है क्वांटम एफिशिएंसी आती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वांटम एफिशिएंसी 50 से स्टार्ट हुई और हाईएस्ट वैल्यू 100 तक गई एंड देन उसके बाद जाने के बाद ये जो वेवलेंथ स्पेक्ट्रम आपके सामने नजर आ रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसके बाद तकरीबन 800 के दरमियान इसकी विजिबल स्पेक्ट्रम यानी 350 और 800 के दरमियान आपकी वेवलेंथ आई है और हाईएस्ट क्वांटम एफिशिएंसी जो आपको अचीव हुई है वो राउंड अबाउट पेरोविस्काइट की थिकनेस जो है वो राउंड अबाउट आप कह सकते हैं कि 380-390 के करीब है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात का खास ख्याल रखना होता है कि जो पेरोविस्काइट लेयर की जो थिकनेस है, जितनी हम थिकनेस को बढ़ाते जाते हैं उतने हमारे रिजल्ट्स बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से, थिकनेस की वैल्यू से अबव जाएंगे तो फिर आपके पिन होल्स, आपके सरफेस क्रैक्स और डिफेक्ट्स भी बढ़ते हैं। तो नॉर्मली जो पेरोविस्काइट की सिमुलेशन है जो की जाती है वो अब्जॉर्बर लेयर की थिकनेस राउंड अबाउट 400-450 and 500 के दरमियान या 600 तक रखी जाती है। अबव 600 जो है सरफेस क्रैक, पिन होल्स और डिफेक्ट्स आने के चांसेस होते हैं। सो आई होप ये फर्स्ट मेरा ट्यूटोरियल था जो स्कैप सिमुलेशन के बारे में था और मेरा मकसद था कि इनिशियली इसको इंट्रोड्यूस करवाऊँ और मैं आने वाले लेक्चर्स में, ये ट्यूटोरियल्स में हर लेयर के बारे में आपको एक ब्रीफ जो है आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, उनकी पैरामीटर्स को कैसे सेट करना है, क्या एरर्स आ सकती हैं, वो कॉमन एरर्स को कैसे रिकवर करना है। और ये फर्स्ट मेरा एक ट्यूटोरियल है और एक इनिशिएटिव है क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग स्पेशली पाकिस्तान में या मेरे अराउंड इर्द गिर्द लोग हैं ऐसे जो पेरोविस्काइट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं और लैब्स की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से वो इस स्ट्रीम को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो मैं कोशिश करूंगा तमाम ट्यूटोरियल्स में तमाम पेरोविस्काइट्स को इंट्रोड्यूस करवाने की, जिससे एक रिसर्चर को खासतौर पर मास्टर्स और PhD स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल बहुत ज़्यादा हो सकता है, एक अच्छी स्ट्रीम और डोमेन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।